नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से कई चर्चाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी चर्चा ये है कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ आकर के सरकार बनाए, उसके बाद से सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अचानक से सुधाकर सिंह का लगातार बयान आना जनता दल यूनाइटेड को स्वीकार नहीं है। इस बयान पर अगर सबसे पहले किसी ने प्रतिक्रिया दी तो वो थे उपेंद्र कुशवाहा। उसके बाद से रामेश्वर महतो ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और लगातार कहा यह जा रहा है कि वो राजपूत समाज के लोग कहाँ हैं जो लगातार नीतीश कुमार के ही तैसी होने की बात करते हैं। इसके साथ ही लौकुश समीकरण का एक बड़ा जो जत्था है वो जदयू से जुड़ा हुआ है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सुधाकर सिंह के बयान पर जो प्रतिक्रिया दी गई थी और जिस तरह से रामेश्वर महतो ने उनको कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और उन लोगों के विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या है, जबकि वहाँ राजपूत समाज के काफी संख्या में लोग हैं। सबसे पहले तो आपका रामेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको और आपके व्यूअर को। आपने देखा होगा कि किस तरह से सुधाकर सिंह का लगातार बयान आ रहा है और पिछले 2-3 महीनों से वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में पक्ष और विपक्ष को अपनी बात कहने की पूरी अधिकार है, आजादी है जी, लेकिन उसका एक सीमा है जी। आप किसी को व्यक्तिगत तौर पे, हो सकता है कि हम लोग राजद के हमेशा खिलाफ में राजनीति किए हैं, लालू जी को हमेशा आदर दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी कोई अशब्द का प्रयोग किसी भी पार्टी के लोगों के लिए नहीं किए, ना हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि बड़ा सम्मान के साथ सबसे बात की, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग। मेरा इसमें ये कहना है कि कुछ दिनों से जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग अशब्दों का प्रयोग जो उन्होंने शुरू किया है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जी, वो मेरे जैसे पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो बेटा है इस राज्य में जी, खास करके लवकुश अति पिछड़ा का बेटा जो इस राज्य में है, जो नीतीश कुमार को बेहद मोहब्बत करते हैं, उनको बेहद चाहते हैं जी, वो आहत हुए हैं उनके बयानों से जी। नीतीश कुमार भीख अपने बेटा के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं मांग रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं जी, बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और व्यक्तिगत जिस तरह से हमला करते हैं नीतीश जी के ऊपर, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति हो ना हो, अपनी जगह है। रामेश्वर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लौकुश समीकरण और MY समीकरण को जोड़ करके नीतीश कुमार ने बिहार में एक नए बदलाव की और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारने की बात सोची थी, क्या लगता है आपको कि उस पूरे मामले में नीतीश कुमार पिछड़ रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा सहयोग मिल रहा है और कोई पिछड़ नहीं रहे जी। एक सुधाकर सिंह के बयान से कुछ फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन पे जी। सुधाकर सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे महागठबंधन में इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो महागठबंधन के हितैषी नहीं हो सकते सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह एक व्यक्ति है जी, और इतना ही उनको घमंड है अपने ऊपर, तो निर्दलीय चुनाव लड़ ले और देख ले कि क्या उनका हैसियत होती है। रामेश्वर जी, जहां आपने ये बात कही कि सुधाकर सिंह ने ऐसा बयान देकर के कहीं ना कहीं आघात किया है, लौकुश समीकरण के दो बड़े नेता बिहार में जाने जाते हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा। इधर हाल फिलहाल में लगातार देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कह दिया है कि उनका और नीतीश कुमार का DNA एक है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के शक्ति परीक्षण की भी बात हो रही है, तो क्या 14 तारीख को जो दही चूड़ा का भोज आप लोगों ने आयोजित किया है, उस भोज में पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड ही के लोग को जुड़ा गया है या और भी पुराने लोग आएंगे उसमें? जो मुझे जहां तक पता है, मुझे भी निमंत्रण है, वहां तक यह है कि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से हर बार होता है, दादा के यहाँ हमारे वशिष्ठ दादा शुरू से ही करते आ रहे हैं जी। इस बार उपेंद्र बाबू के यहाँ हो रहा है, हो सकता है कि दादा और उपेंद्र बाबू के बीच में आपस में बात हुई हो कि एक जगह होना है जी। तो हमेशा से होती आई है और हम सब जदयू के सारे कार्यकर्ता, पूरा परिवार एक साथ, जदयू के परिवार हम लोग जुटते हैं जी। और नए साल में जो है मकर संक्रांति में भोज होती है, मेरे को तो इतना ही समझ में आता है इस प्रोग्राम का। एक बात और जानना चाहेंगे, चूंकि लौकुश समीकरण के आप भी एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक बात हम जानना चाहेंगे कि लगातार ये चर्चा चल रही है कि लौकुश समीकरण जो है वो ध्वस्त होता जा रहा है, क्या सब कुछ ठीक है नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में? 100% ठीक है सर, और बहुत ही बढ़िया है। और
जब उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आए हैं जी, तो समझिए कि बीच में तो थोड़ा बहुत लव कुश के कुछ लोग इधर उधर थे भी, आप पूरा एक साथ हैं और हर तरफ एक साथ मजबूती से हैं। कुछ मीडिया के लोग इधर उधर बाबा चलाते रहते हैं, उस सबको बस देख के एंजॉय कीजिए। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा एक है और एक रहेंगे, इन सब में कोई हकीकत नहीं है, इसमें ये हकीकत है कि एक रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।